पर्पस मेरा यही है कि जितने भी लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं कौन से पाथ से जाए तो जल्दी और अच्छी सक्सेस मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। गाइस, आप सब में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, मतलब उनको स्ट्रक्चर में या बीम में इंटरेस्ट होगा। बीम में कैसे करियर बनाना है, मैंने लास्ट वीक में वीडियो बनाया हुआ था, लास्ट टू लास्ट वीक, थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लेट वीडियो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर पे। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर बनना है तो क्या राइट वे होगा और क्या क्या लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं, उसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंसंट्रेट होकर देखना। वीडियो लंबी बनेगी लेकिन आपके बेनिफिट के हिसाब से होगी। चलिए, आप कॉलेज में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो, ठीक है। आप सबने सुना कि एक बहुत अच्छी ऑफिस जॉब भी होती है साइट में, किसी ने बताया और उसका नाम पता चला तो पता चला कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती है ये एक ऑफिशियल जॉब है, एज वेल एज इसमें एक अच्छी इनकम होती है और उसके साथ ही साथ इसको आप वर्क फ्रॉम होम माध्यम से भी इन फ्यूचर कर सकते हो, प्लस अपना खुद का भी इसमें करियर बना सकते हो, मतलब अपना खुद का कंसल्टेंसी खोल सकते हो स्ट्रक्चर की। तो आपको लगा है बड़ा अच्छा है ये, ठीक है। फिर आप लोगों ने राय लेना स्टार्ट किया लोगों से कि मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है। अब जब राय लेते हो रायचंद से, ठीक है, जिन्होंने मिठाई खाई नहीं वो मिठाई का स्वाद बताएंगे, तो क्या बोलते हैं कि पहले तुम साइट पर जाके 2-3 साल लगा लो, उसके बाद तुम स्ट्रक्चर में आओगे तो तुम अच्छा करोगे। और ये जीवन का आपका सबसे पहली और बड़ी गलती आप कर बैठते हो गाइस। क्यों? क्योंकि अगर आप साइट पर गए फिर स्ट्रक्चर में मूव करना इतना टफ होता है। मेरे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि साइट से स्ट्रक्चर में आए हैं, उनको कितना प्रॉब्लम हुआ, 30,000 की सैलरी छोड़ के 12,000 की सैलरी से स्टार्ट करना पड़ा। पहले तो लगता नहीं है, फिर क्योंकि 2 साल में साइट को कुछ ना कुछ तो सैलरी बढ़ जाएगी, फिर आपको बैक आना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर में तो आप प्रेशर ही रहोगे ना। तो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में YouTube इतना बड़ा संसाधन हो चुका है कि आपको साइट पर क्या देखना है, लैपिंग देखना है साइट पर, कनेक्शंस देखना है साइट पर, या फिर फुटिंग वर्क देखना है साइट पर, सब कुछ आप YouTube पे जनरल इंट्रोडक्शन सफिशियंट होता है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, वो आप यहां से देख लो भाई। बाकी सबने अपना घर बनते हुए देखा, पड़ोसी का देखा हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों का जहां पे भी जाते हो कंस्ट्रक्शन होता रहता है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है यार, ठीक है। तो अगर आपने देखा है तो उसी में हम 2-3 साल क्यों इन्वेस्ट करें, आपके लाइफ का करियर, आपका करियर 20 साल का करियर है, 2 साल वहां मत लगाओ। आओ अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो अब बिगनिंग कैसे करें। तो बिगनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपना ऑटोकैड बेस्ट करो। अब ऑटोकैड का बेस्ट का मतलब यह नहीं होता कि आपको डाटा एक्सट्रैक्शन पता हो, आपको बड़ी बड़ी कमांड्स पता हो, नहीं। ऑटोकैड बेस्ट का मतलब कि ऑटोकैड में आप एक अच्छा एनिमेशन बना सकते हो, अच्छा सेक्शन बना सकते हो, विजुलाइजेशन आपका अच्छा है ऑटोकैड के अंदर, प्लस आपको जो एक पूरा ऑफिस वर्क करना होगा, पीडीएफ वर्क करने होंगे, लाइक कभी स्टैट की फाइल का रिपोर्ट यहां पर तैयार करना है या फिर कभी प्रिंट करना है, इस तरह के जितने काम है ये सब आपको ऑटोकैड के अंदर वेल मैनर में आने चाहिए अगर आप स्ट्रक्चर की प्रोफाइल में जा रहे हो तो। चलिए, जब ऑटोकैड में आपको काम लगे कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, परफेक्ट मैं बार बार बोल रहा हूं कि परफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कमांड का शॉर्टकट की रट लिया, वो तो काम करते करते आपको आ जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है कि ऑटोकैड के अंदर एक्चुअल में क्या आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ऑटोकैड के अंदर क्या आना चाहिए तो मेरे यूनिक सिविल ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, वहां पर सिलेबस दिया हुआ है, जाके फ्री उसको डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना कि तुम्हें कितना आता है। चलिए, ऑटोकैड तो क्लियर हो गया। अब ऑटोकैड क्लियर होने के बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है, वो है कॉन्सेप्ट। भाई स्ट्रक्चर जो है ना ये कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो आपको सोम और आरसीसी का अच्छा नॉलेज चाहिए, सोम और आरसीसी का अच्छा नॉलेज चाहिए। अब मैं बोलूंगा कि यार सोम आरसीसी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर पूरा रामानुजन या फिर जो भी राइटर है, ठीक है, या फिर जैन सर की पूरी आरसीसी, नहीं। आपको उसमें से अपने काम की चीजें निकालनी है। मैं सजेस्ट करता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर वीएल शाह सर की बुक, थोड़ी सी टफ है लेकिन जिसने उसको 2-3 बार रीड कर लिया उसको समझ में आ जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
अगर आपको वो भी नहीं पढ़ना है, आपको या फिर रीडिंग में मजा नहीं आता है, या फिर अभी किताबें पढ़ने का मन नहीं करता है, तो फिर आप स्टैट प्रो सीखिए, और स्टैट प्रो वहां सीखिए जहां पर आपको स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाते हैं साथ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टैट प्रो, उनसे पूछोगे आप स्टैट प्रो के साथ क्या सिखाओगे, जैसे कि तुम में से बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे से मेरे स्टूडेंट होंगे, तो मैंने स्टैट प्रो के अलावा स्टैट प्रो में बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जो जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैंने उसका वीडियो कोर्स भी आपको डाल दिया है ऐप पर, आप लोग को देखना होगा। तो 1000-2000 रुपए के कोर्सेज हैं अपने, ज्यादा कॉस्ट रखा ही नहीं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। दूसरी चीज, आपको और भी कहीं सीखना है उनसे पूछ लो कि भाई केवल टूल पढ़ाओगे, ठीक है। अब जनरली यही होता है कि केवल टूल पढ़ाते हैं, बट कुछ अच्छे लोग भी हैं जो लोग टूल के साथ कॉन्सेप्ट्स भी टीच करते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, विंड को कैसे मैनुअली कैलकुलेट करोगे, सिस्मी को कैसे मैनुअली कैलकुलेट करोगे, एसएफटी बीएमडी क्या होती है, मूवमेंट क्या होता है, लोड कैसे ट्रांसफर होता है, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फुल नॉलेज आपको आना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि इसी पर तो स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, स्ट्रक्चर मतलब ये है, ये जो टी शर्ट है मेरा, ये टी शर्ट क्या है, ये मेरे लिए पार्ट है ना, ये एक पार्ट है, मतलब एक लोड है, ये लाइव लोड है मेरे ऊपर ना एक टी शर्ट, क्योंकि उतार के मैं दूसरा भी पहन लूंगा, तो ये टी शर्ट मेरे ऊपर परफेक्ट रहेगी क्या, कहीं इस टी शर्ट का वेट इतना ज्यादा तो नहीं है कि मैं ऐसे ऐसा हो जाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब है कि इसका लोडिंग क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी शर्ट का लोड मेरे ऊपर इफेक्ट तो नहीं करेगा। दूसरी चीज, टी शर्ट क्या मेरे ऊपर फिट होगी, ठीक है। तीसरी चीज, टी शर्ट लुक में कैसे होगी, ये सब कुछ मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर जब भी कोई बनाता है तो 5 चीजों पे फुल फोकस करता है। अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर फ्यूचर में बनना चाहते हो तो 5 चीजें गांठ बांध लो। सबसे पहली चीज होती है ड्यूरेबिलिटी। अगर मेरी एक टी शर्ट आज पना कल फट जाए तो हम इतने बड़े वाले तो अमीर नहीं है ना, कितना पैसे इन्वेस्ट करेंगे एक टी शर्ट पे। ऐसे ही बिल्डिंग पर होता है कि अगर टी शर्ट आज बिल्डिंग बनाए और कल गिर जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज, मतलब पहली चीज आपको क्या देखना है, आपको ड्यूरेबिलिटी देखनी है। दूसरी चीज स्ट्रेंथ देखनी है। क्या देखनी है, स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पहन के जा रहे हैं कहीं पर डांस वोस करना स्टार्ट किया फट गया, ऐसे ही आपके बिल्डिंग के ऊपर कोई फंक्शन किया आपने प्रॉब्लम गिर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी चीज स्ट्रेंथ एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को देखना पड़ता है। तीसरी चीज क्या देखनी पड़ती है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को, सर्विसबिलिटी, ठीक है। सर्विसबिलिटी मतलब यह है कि अगर मुझे कोई बेडशीट दे दे बोले कि इसको टी शर्ट बना के पहन लो तो सही लगेगा क्या, नहीं, क्यों, बेडशीट का सर्विस कुछ और है, इसका सर्विस कुछ और है। इसी तरीके से आपके जो भी स्ट्रक्चर बनाओ वो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, ये मैंने रिकॉर्डिंग रूम बनाया हुआ है तो ये इतना स्पेस तो है कि कैमरा लाइट और ये ग्रीन स्क्रीन वगैरह सब लगा सकता हूं कि नहीं। मतलब तीसरी चीज एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को देखना चाहिए वो है सर्विसबिलिटी। कुछ भी बनाओ सर्विसबिलिटी दे पाएगा क्या, सर्विसबिलिटी मतलब होता है सर्विस दे पाएगा क्या। चलो अब चौथी चीज होती है भाई, ठीक है, मैं बहुत अच्छा एक लोहे का टीन सेट का बनवा लूं टी शर्ट, आपको देखने में कैसे लगेगा, आप हंसोगे ना, कमेंट में डालोगे सर ये क्या पहन लिया है। ऐसे ही चौथी चीज होती है एस्थेटिक, मतलब लुक बहुत बेहतरीन चाहिए, जितना बेहतरीन कर सकते हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। बहुत से लोग देखते होंगे आप लोग कि हर जगह उनके एड्स दिखते हैं, ठीक है, जो भी टीवी में आप लोग देखते हो, पॉन्ड्स पाउडर या फिर जो भी तरह तरह की चीजें होती हैं उनके एड्स दिखते हैं हर जगह पे, तो वो क्या होते हैं, बिकते। ऐसे ही हमारा जो बिल्डिंग है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका लुक बेहतरीन होना चाहिए। तो चौथी चीज ये देखनी चाहिए। और पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरी दुनिया इधर से उधर चल रही है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के बेस पर अगर मेरे को मानो बहुत अच्छा आपने टी शर्ट दिखाया, वो टी शर्ट 3 लाख रुपए की एक है, मेरे लिए अच्छी नहीं होगी। क्यों भाई, 3 लाख की टी शर्ट में पहन के जाऊंगा कहां पे, प्लस मैं इतना इन्वेस्ट क्यों करूंगा जब मुझे 300 में काम हो सकता है। ऐसे ही बिल्डिंग में आपने 3-4 करोड़ के फ्लैट बना दिए उस एरिया में जहां पर 4 लाख रुपए भी इनकम नहीं है साल भर की लोगों की, तो फिर क्या हो, बिकेंगे आपके 4 करोड़ के फ्लैट, बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे। तो आपको इकोनॉमी बेस बनाना है, 50 लाख का बनाओ, 30 लाख का बनाओ, ऐसा बनाओ कि सेल हो सके एक एक यूनिट्स, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये 5 चीजें अगर जिसने गांठ बांध लिया, स्ट्रक्चर हमेशा बेहतरीन करेगा। चलिए तो हो गया स्ट्रक्चर में, आपने ऑटोकैड सीख लिया, स्टैट प्रो सीख लिया, स्टैट प्रो को सीखने के साथ कॉन्सेप्ट की ये 5 चीजें फोकस के साथ सीख लिया।
अब क्या करें सर, अब तो ये दोनों चीज मान लीजिए तैयार हो गया। हाँ जी, अब तीसरे स्टेप पर आइए। तीसरा स्टेप होता है कि अब आप या तो और हाई लेवल पे सीखने के लिए जाओ, मतलब ETF सीखो, सेफ सीखो, बट मैं सजेस्ट करता हूं पहले जॉब लो फिर सीखो। तो जॉब कैसे लोगे इसके ऊपर? इसके ऊपर जॉब लेने के लिए आप ऑटोकैड के अंदर जो भी प्लानिंग किए थे, ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट प्लान करते हैं, जो भी प्लान किए थे उस प्लान का स्टैट प्रो के ऊपर एनालिसिस करो, कर लिया, डिजाइन करो, कर लिया, अब इसको मिक्स करके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो तैयार करो। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो तैयार हो गया। कैसे बनाना है सर्च कर लो, मैंने बहुत ढेर सारे वीडियोस पोर्टफोलियो के ऊपर बने हुए, पोर्टफोलियो भाई आकाश पांडे डाल दोगे आ जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद एक अच्छा सा कवर लेटर तैयार कर लो। आपको नहीं पता कवर लेटर कैसे डालना है तो मैं दे रहा हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में, देख लो कवर लेटर कैसे बनाते हैं। और उसके साथ ही साथ एक बेहतरीन सिंपल रिज्यूमे, ऐसा रिज्यूमे नहीं कि जिसमें फोटो आपकी लगी है, आप ऐसे शादी के लिए थोड़ी भेज रहे हो, ठीक है, लड़की नहीं पसंद कर रहे हो आप, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपनीज में जा रहे हैं तो कंपनीज में हमारे स्किल्स की पूजा होती है, बॉडी की पूजा नहीं होती है। सो आपको कहीं पर भी आपको फोटो लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल एंड शॉर्ट सीवी, क्योंकि आप फ्रेशर हो, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। एक्टिंग के लिए जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, मैंने कभी ट्राई किया था, तो वहां पर बड़ा डेकोरेट वोकरेट करते हैं, आपको जरूरत नहीं है वहां पर डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, सिंपल सीवी बनाओ। फॉर्मेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आपका वहां से फायदा हो जाएगा। चलिए जी, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सीरीज, ऑटोकैड सीख लिया, स्टैट प्रो सीख लिया, और उसके साथ ही साथ आपने क्या कर लिया, कवर लेटर बना लिया, पोर्टफोलियो तैयार कर लिया और सीवी तैयार कर लिया। अब आप स्ट्रक्चर के लिए भाई साहब तैयार हो चुके हो। अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है बेहतरीन बेहतरीन कंपनीज में। आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत फाइनेंशियली और अच्छा कर सकते हो, मतलब थोड़ा एफोर्ड ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, 1500 रुपए, तो आप ETF और सेफ भी सीख लेना, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रक्चर में कैरियर बनाने के लिए। अब बोलो सर ऐसा क्यों सर, क्या मैं सॉफ्टवेयर ही सीखता रहूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई कंपनियों के पास ETF सॉफ्टवेयर होता है, कई के पास स्टैट प्रो होता है। अगर आपके सीवी में दोनों सॉफ्टवेयर हैं, शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ही नहीं कर रहा, अगर आपका बजट नहीं तो मत करो, ठीक है, तो शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। अब ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने कॉलेज में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन इच्छा है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो मैं इनको बोलूंगा कि आप इन सब चीजों के साथ एक्सेल और मैनुअल सीख लेना। एक्सेल और मैनुअल जब सीखने जाओगे तो ऑटोमेटिक ये सारे स्टेप्स आपके क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो एक्सेल और मैनुअल एक आपको क्या कर देता है, आपका कॉलेज का जो भी एकेडमिक था, वो जो फीलिंग होती है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता है। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट हो जाता है, बट आपके इंटरव्यू के लिए सफिशियंट हो जाता है। तो इस पर मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है, आप सबको इतना वो कोर्स पसंद है कि मैक्सिमम लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं, सर मुझे मजा आ रहा है उस कोर्स में, ऑल इन वन। ऑल इन वन के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट पैकेज ही दे दिया है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 250 घंटे देने हैं। आपको 250 घंटे आप मुझे दे दो, उसके बाद 250 घंटे प्रैक्टिस के लिए, मतलब टोटल 500 आवर्स आपका मुझे चाहिए, आप एक सफल स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो। अब बोलो सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि मैं 250 घंटे प्लस 250 घंटे मतलब 500 घंटे देने के बाद एक्सपर्ट बन जाऊंगा? क्योंकि भाई मैंने उसके अंदर ऑटोकैड में जो इंडस्ट्री में जरूरत थी वो सारी चीज दे दी है, स्टैट प्रो में जो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है वो कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरा स्टैट प्रो दे दिया है, RCDC दे दिया है, ETF दे दिया है, ETF में फुल डायनेमिक वगैरह सब कुछ डाल दिया है, डायनेमिक में भी पी डेल्टा एनालिसिस है, टाइम स्टी एनालिसिस है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस सब दे दिया है, सेफ दे दिया है, मैनुअल दे दिया है, एक्सेल दे दिया है। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको फ्यूचर में प्लान है कि कुछ मैं मॉडलिंग का भी काम करूंगा, उनके लिए मैंने रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर भी दे दिया, रैबिट एस्टिमेशन भी दे दिया, टोटल 9 स्किल्स ऑल इन वन में दे दिया है। आप सबको बहुत पसंद आता है, इसके लिए थैंक यू सो मच, और प्लस मुझे खुद भी वो कोर्स बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को पसंद होगा तो चेकआउट कर लेना, या फिर ऐप पर जाके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी दे दे रहा हूं। कुल मिला के स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए आपको कंक्लूजन बता दूं, साइट पर जाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये मत सोचो कि हमने कॉलेज में नहीं पढ़ा तो हम बन नहीं सकते, ये भी एक अपवाद है, बन सकते हो। तीसरी चीज, किसी भी कंपनी में डायरेक्ट स्टैट प्रो के लिए अप्लाई करते हुए मत भिड़ो, ठीक है, आराम से जाओ, वो देखो कि स्ट्रक्चर की कंपनी है, आपको ऑटोकैड आता है अच्छे से, आप ऑटोकैड पे अप्लाई करो, धीरे धीरे वहां पर अपना जगह बनाओ, उनको बोलो मुझे स्टैट प्रो आता है, शिफ्ट हो जाओगे धीरे धीरे। तो ये नहीं कि डायरेक्ट, कुछ लोग मैं तो स्टैट पे ही काम करूंगा, हेलो सर आप क्या स्टैट पे काम है ऑटोकैड पे, वो बोले कि अभी तो हम ऑटोकैड पे रखेंगे बिगनर को, ठीक है ना, ऑटोकैड पे करो तो कुछ दिन,
आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, स्ट्रक्चर डिटेलिंग करोगे ऑटोकैड के ऊपर, धीरे धीरे क्लियर होगा आपकी चीज, है ना। तो इस तरह से आपका एक राइट पाथ हो जाएगा एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए। आपकी मर्जी है, अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कर लीजिए अपने, चाहे जिस ईयर में है, चाहे साइट पर है और चाहे फिर आप कॉलेज में है, आपके लिए बेहतरीन होगा कि स्ट्रक्चर में। क्योंकि स्ट्रक्चर की बात आपको बता दूं कि 5 ईयर में आपकी मिनिमम जो सैलरी होगी 70-80,000 होगी। 5 ईयर्स में मिनिमम जो सैलरी होगी 70-80,000 होगी। अब आप बोलेंगे सर 70-80 बहुत ज्यादा होता है, यस, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो काबिल होंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि काबिल बनो, ठीक है, काबिल बनो तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत। रिज्यूम आपको लिंक दे दिया है, आपको कवर लेटर दे रहा हूं, आपको पोर्टफोलियो दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ आपको ऑल इन वन कोर्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर का पैकेज भी दे रहा हूं। आपको पसंद है तो सबको चेकआउट कर सकते हो, प्लस दोस्तों के साथ शेयर कर लेना यार। अब मैं आ गया हूं पूरी तरीके से और अब आपके सामने फुल स्ट्रक्चर का कंप्लीट सब कुछ आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, अभी कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप सामने देखो रिजल्ट्स। चलिए, जय हिंद, जय भारत।